अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जावेद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे किड्स इस्लामियात बराए जमात अव्वल इबादात का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नमाज। आज की वीडियो में हम नमाज की मशक को हल करेंगे। दर्ज है सवालात के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, हम सब का खालिक व मालिक कौन है? इसका जवाब है, हम सब का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। सवाल नंबर 2, हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। सवाल नंबर 3, 5 नमाजों के नाम बताएं। 5 नमाजों के नाम हैं फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। अगला सवाल है, नमाज पढ़ने से पहले क्या करना ज़रूरी है? तो नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। किस तरफ मुँह करके नमाज अदा की जाती है? खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा की जाती है। अब आगे दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नंबर 1, हम सब का खालिक व मालिक डैश है, इसमें आएगा अल्लाह ताला। इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी डैश के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए। नमाज दीन इस्लाम का अहम और डैश रुकन है, बुनियादी। मुसलमान दिन और रात में 10 बार नमाज अदा करते हैं, 5 बार नमाज अदा करते हैं। नमाज डैश की तरफ मुँह करके पढ़ी जाती है, खाना काबा की तरफ। अब अगला है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। फजर की नमाज के बाद पढ़ी जाती है, तो आप ख़ुद बताइए कि जो हमने 5 नमाजों के नाम याद किए थे, उसमें फजर के बाद कौन सी नमाज आती है, उसके गिर्द दायरा लगाएँ। आगे है, नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? आपको भी पता है, नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करना चाहिए। मुसलमान दिन और रात में नमाज अदा करते हैं, तो कितनी बार नमाज अदा करते हैं मुसलमान, इसके गिर्द भी निशान लगाइए। नमाज मुँह करके पढ़नी चाहिए, खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़नी चाहिए। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब दुआ करें तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।